तो चुनावी रैलियों का दिन है आज और इन रैलियों के अलावा कई दिग्गज नेता आज अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों की 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और आज नामांकन करने वाले दिग्गज नेताओं में जया प्रदा भी शामिल है जो बीजेपी के टिकट पर रामपुर से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ रही हैं। शरद यादव भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे जो मधेपुरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। तो अनंतनाग पर 23, 29 और 6 मई को वोटिंग होगी। तो रामपुर सीट से एक बार फिर जया प्रदा चुनाव के मैदान में है। रामपुर से जया प्रदा दो बार समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जया प्रदा बीजेपी के साथ है। जया प्रदा थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और आज जया प्रदा का जन्मदिन भी है। नामांकन दाखिल करने से पहले जया प्रदा पहले मंदिर भी गई, उससे पहले दरगाह भी पहुंची थी और गुरुद्वारे में भी गई और वहां जाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। जया प्रदा का मुकाबला इस बार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता यानी कि आजम खान के साथ है। तो जया प्रदा के नामांकन के दौरान राज्यसभा सांसद अमर सिंह, केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे उनके साथ वहां पर। जया प्रदा ने सर्वधर्म संभाव का उदाहरण पेश करते हुए वो मंदिर गईं, उन्होंने दरगाह का भी रुख किया और फिर गुरुद्वारे में तीसरी बार जनता का सेवा करने का आशीर्वाद मांगा। जया प्रदा ने कहा कि जनता उनके साथ है, इसीलिए जीत को लेकर कोई भी शक नहीं। इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार भी आई और आज भी, आज जन्मदिन पर मुझे माता के भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका एक बार और दे। एक तो मुझे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस जन्मदिन पर। ये मेरे लिए स्पेशल जन्मदिन है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र को मैं मानती हूँ उस क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पे उतारा है। तो जनता से एक और मौका मांग रही है जया प्रदा। आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन के मौके पर आज वो अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ होंगे और इसके साथ वो तमाम समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचेंगी नामांकन दाखिल करने के लिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन उनको टिकट दिया गया रामपुर से। हालांकि रामपुर से वो सांसद रह चुकी हैं लेकिन तब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आजम खान ने उनके समर्थन में चुनाव मांगे थे। लेकिन इस बार पूरी तरीके से समीकरण जो है वो अलग है। इस बार बीजेपी के लिए वो मैदान में है और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। थोड़ी ही देर के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी लेकिन उससे पहले उन्होंने मंदिर का रुख किया, वहां पर भगवान के दर्शन किए, दरगाह भी गई, मत्था टेका, फिर गुरुद्वारे में भी मत्था टेक कर सर्वधर्म संभाव का जो एक संदेश है वो दिया और सभी जगह से आशीर्वाद लेते हुए अब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। और रामपुर सीट से इस बार उनकी दावेदारी है, चुनावी मैदान में वो हैं, बीजेपी के टिकट पर हैं और उनके जो विरोधी हैं इस बार वो हैं आजम खान। रामपुर सीट से एसपी के विधायक हैं और आजम खान को इस बार समाजवादी पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला होगा इस बार रामपुर में देखने को मिलेगा। और समीकरण भी एक बार समझिए जरा रामपुर का, लोकसभा सीट का, जहां पर कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 16 लाख है, यानी कि 16 लाख मतदाता हैं जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.7 लाख है। ये पुरुष मतदाता है रामपुर लोकसभा सीट का। समीकरण समझिए जरा, महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 7.4 लाख है। सीधे रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, पहले मंदिर गई, दरगाह भी गई, गुरुद्वारा भी गई और अब नामांकन पत्र दाखिल करने कितनी देर में पहुंच रही हैं और कौन कौन आज उनके साथ वहां पर होगा? मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना है? बहन जया प्रदा जी देखिए, पहले मंदिर गए फिर उसके बाद उन्होंने दरगाह का रुख किया, उसके बाद गुरुद्वारा गए, इसके बाद उन्होंने नामांकन किया और नामांकन के बाद अब यहाँ पे नामांकन सभा में आई हुई है। यहाँ पे हो रही है उनके साथ में मुख्तार अब्बास नकवी थे और मुख्तार अब्बास नकवी का नामांकन वहाँ पे हो गया।
राहुल, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से आपके पास जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिर से एक बार दर्शकों को बता देते हैं, अब से थोड़ी देर बाद जया प्रदा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और आज चूंकि दिग्गजों का नामांकन होना है कई, तो लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन रामपुर में जया प्रदा थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करने जा रही है और इसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी, अपडेट आपको देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, चूंकि बारामती सीट से शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले भी चुनावी मैदान में इस बार फिर से हैं। और बिहार में अपने पारंपरिक सीट मधेपुरा से शरद यादव चुनाव मैदान में हैं। शरद यादव महागठबंधन के तहत आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में हैं। और चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती, आपको बताएं कि 2014 में सांसद चुनी गई थी, लेकिन पिता के निधन के बाद सीएम बनने पर लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2016 से अनंतनाग सीट खाली थी और आज महबूबा मुफ्ती भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की दोपहर 1:15 पर सिलीगुड़ी में रैली होगी, इसके बाद शाम 3:55 पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने जा रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे थे और यहां उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वालों से कांग्रेस को सहानुभूति है, कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या फिर देशद्रोहियों के साथ, ये सवाल पूछा पीएम ने। पीएम मोदी ने कांग्रेस ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, कांग्रेस ने देशद्रोह कानून खत्म करने का वादा किया है, नामदारों की तरह उनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट और बेईमान है, साथ ही उन्होंने इसे एक ढकोसला पत्र कहा। एक तरफ आपका ये चौकीदार देश के वीर सपूत, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, देश के भीतर हो या देश के बाहर, भारत मां पर हमला करने वालों के खिलाफ आपका ये चौकीदार कठोर कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवालिये हो चुकी कांग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटाहट में आज इतनी नीचे गिर चुकी है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, पूजा मेहता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, रैलियों का दिन है आज, एक तरफ आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, दो बड़ी रैलियां करेंगे, तो आज ममता बैनर्जी की भी रैली होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां और क्या अपडेट है वहां से हमें देंगी आप? देखिए श्रीन, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में आज पॉलिटिकल टेम्परेचर्स काफी हाई रहेंगे, क्योंकि आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दो जनसभाएं संबोधित करेंगे, एक उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में और दूसरी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स में, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले से दिनहाटा में वो भी एक जनसभा को संबोधित करेगी। लेकिन श्रीन, आपको बता दें कि उत्तर बंगाल ही क्यों, काफी अहम सीटें हैं जो पहले और दूसरे चरण में जाएगी इलेक्शंस के दौरान। उत्तर बंगाल की सीटें हैं, ये कुल मिला के 5 सीटें हैं जो पहले और दूसरे फेज में इलेक्शंस होने हैं। यहां पर पिछले साल हुए पंचायत इलेक्शंस में हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले एक लेफ्ट का बैस्टियन हुआ करता था, लेफ्ट का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनावों में देखा गया किस तरीके से लेफ्ट के बैस्टियन को पूरी तरीके से बीजेपी ने अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती उत्तर बंगाल में, जहां तक उनके वोट शेयर कम होने की बात है। शिरीन, ममता बनर्जी की कल होने वाली थी रैली पूजा, हालांकि एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई। जब हमने तृणमूल के नेता से बात की तो वो ये कह रहे थे कि शेड्यूल है, रीशेड्यूल हो जाता है, लेकिन आप क्या जानकारी देंगे, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए आपको बता दें, पहले ये जो दिनहाटा की मीटिंग थी वो 4 तारीख को होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी खुद चंद्रबाबू नायडू के लिए प्रचार करने के लिए वाइजैक पहुंची थी और उसके बाद जो दिन तय था वो 4 तारीख थी। लेकिन उसके बाद अचानक से हमें खबर ये दी गई कि 3 तारीख को जो है उसे प्रीपोन कर दिया गया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में दो प्रधानमंत्री की जनसभाएं होने वाली थी, लिहाजा चैनल की एयर टाइम कहें या फिर लोगों का या वोटरों
का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस से ये डिसाइड किया कि 4 तारीख को होने वाली जो जनसभा थी उसे प्रीपोन कर लिया जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पूजा, फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन तमाम जानकारी जो अभी आपने दी इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज कई दिग्गजों की रैलियां होने जा रही है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ली या फिर और भी जगहों पर। साथ ही साथ आज नामांकन भी कई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई लिहाज से दिलचस्प फाइट होने वाली है कई सीटों पर। लगातार हर अपडेट इलेक्शन से जुड़े हुए हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी के साथ सी मीडिया आप सभी लोगों से एक अपील भी लगातार कर रहा है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और ध्यान रहे इस बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई भी मतदाता ना छूटे।